हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज थोड़ा मेरा गर्दन ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलते जैसे बंगाली नहीं बोलते, आज मैं ठीक हूँ ये वो निकल जाती कभी कभी। और अभी रिया रेडी हो चुकी है, सैम रेडी हो रहा है, तो मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ये लीजिए, आप दर्शन कर लीजिए, शिव जी के दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह राम सीता है और वेदर कुछ ऐसा है, आज हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बारिश आई थी अभी, ये देख सकते हो आप, आई थी थोड़ी सी हल्की हल्की, और ऐसा कुछ वेदर है, अभी हवा चल रही है बड़ी प्यारी। बस अब तो ठंडा मौसम ही लगा लो, आ ही गया दोपहर की ठंड बचती है, दोपहर की धूप बचती है, सुबह शाम तो ठंड होने लग गई है। और ये देखो कैसे चिड़िया की चहचहाट, सुबह सुबह ना इतना अच्छा फील होता है, यहाँ बालकनी में आके खड़े हो जाओ, ठंडी ठंडी हवा लगती है और ऐसे पक्षी चहचहा रहे हैं, ये देख सकते हो। यहाँ पे ना बड़ा खुला खुला सा बहुत अच्छा वो है, बिल्कुल बहुत प्यारा लगता है, मस्त हवा चल रही है। तो मैं आपको मिला तो सैम रेडी हुआ है, तो यहाँ सैम अपने बेल्ट पता नहीं, हेलो कर ले सबको, हेलो गाइस, आप सब कैसे हो कैसे हो? और सैम अपने एक बार तीते दिखाने, एक बार दिखा, जल्दी दिखा गाइस, देखने इसके खरगोश जैसे थी था ये, आगे से दिखा, जल्दी दिखा, ये देखा है कहाँ है तेरी वो लगा। और ये रिया भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बस ये तो गुड मॉर्निंग करनी है वाला क्या। और ये यहाँ पे कपड़े उतारे क्योंकि सुबह सुबह एकदम बारिश आ गई थी, हाँ छोटी छोटी बूंदे आ रही थी ना, तो इनका लंच पैक करना है मेरे को। अब बोल कैसे हंस रहा है सुबह सुबह, इसके दांत ऐसे हैं खरगोश जैसे, बिल्कुल छोटे छोटे, आगे के बड़े बड़े दो दांत ही है सिर्फ, है ना सैम? माय दांत इज लकी गाइस, ये कह रहा है कि मेरे दांत ना लकी है। तेरे दांत कैसे लकी, दांत भी लकी होते हैं? अच्छा, आधी इंग्लिश बोल रहे हैं आधी हिंदी बोल रहे हैं, माय दांत इज लकी है। चल जल्दी जा, वो देखो क्या है, वो तो भैया बैठे, अरे वो तो मेरे दोस्त है, तो तेरे इतने बड़े बड़े दोस्त है। और गाइस एक बार ये देखना, इस कुत्ते ने कितनी ऊपर पैंट बांधी हुई है, दिखाना, इतनी ऊपर पैंट नहीं बांधते भाई ये लड़का, तो पहन जल्दी से सॉक्स निकाल के उसमें से, ये तो क्यों गाइस इसकी ना चेन फेल हो गई पैंट की एकदम से, जैसे इसने पहनी तो अभी दूसरी यूनिफॉर्म थी नहीं वाइट कलर वाली, आज कल करा के लाएंगे, कल ना संडे है ना तेरे पापा जी, डांटेगी तो डांट खा लियो भैया। तो गाइज ये यहाँ बन रहा है मकान हमारा, ये देख सकते हो आप, अमित तो गए उठ के, और ये तो देखो अचार की तरह के पन्नी में डाल के, हाँ तो अचार धोयो। और ये देखो आसपास सारी सोसाइटियाँ, ये वो है ना रियक पापा, वो चौड़ाई तो वो है ना, वो चूल्हा पे वहां बनाए तो वो तो मूंगफली पूरी है ना, मूंगफली का खेत है गाइस, ये मूंगफली उगा रही है, ये कपास है। और गाइस ये देखो यहाँ पे सब्जियाँ उगा रखी है घर के सामने, ये तो किसी और ने उगा रखी है, घिया है और तोरी की बेल है, फूल तो खूब आ रहा है बगर, तो ये सर ये अपना ही पड़े है,
ओहो, इन्हें तो पूरी सलाद सलाद सब नुई। चुल्लो तो देखो कैसे जोर को गाल रखे है। आप रह गए क्या? हम बैग गया बता नहीं। तो गाइस ये देख सकते हो कपास है, इसमें से निकलती है कॉटन। ये देख रहे हो इसमें कचरी ना है। हाँ तो ये देखो कपास इसमें से निकलती है गाइस, कॉटन जिसको नहीं पता, ये होते कपास के पेड़। ये देख सकते हो आप, ये ऐसे पक जाती है ना तब इसमें से निकालते। और वो रही उधर हमारी सोसाइटी, ये खेत है सारे। ये जो मेरी बहन है ना खुशबू उसका, तो अभी ना इसमें सेटरिंग हो रही है और अभी से हुआ नहीं है, यहाँ पे लेंटर डला नहीं है, सेटरिंग हो रही है। और एक प्लाट अपना ये खाली पड़ा इधर, इधर भी है, इसमें अभी कुछ बनाया नहीं है। ये इधर से इनका पानी आ रहा है इनकी। चलो कोई नहीं, अभी तो अभी कुछ बना नहीं रहे इन्होंने, थोड़ा सा इधर गड्ढा करके ऐसे कर रखा है। और ये बन रहे हैं, इस पर एक मंजिल और जाएगी, एक जाएगी कि दो और जाएगी, पता नहीं एक ही जाएगी क्या। और ये इधर हमारा बचा हुआ है ये प्लाट, इसमें देखते हैं, अभी तो कोई नहीं है मन बनाने का। हाँ तो थोड़ा थोड़ा और भर्त करा कर फिर अपने उधर कूणा में डलवा ले नुकटीन। हाँ बस बन जाएगी गाय। हाँ तो सही है ना, जैसे दूध का काम हो जाएगा सही। और यहाँ इधर उगा दिए पालक वालक। क्या लगा रही है, क्या कर रही है? लस्सी ने भी छान रही है। ओके खान में चल जाते सब। हाँ तो दे ला लूना, गेंद निकाल रहे तू हमें छान के तादे। घी ज्यादा है, खराब ही कर रहा, बल्कि ताकत जाती बाल का शरीर में। आए ना ना फिर लगे मम्मा पपड़ी आवे। सो गाइस अभी मैंने बनाई है यहाँ पे वीडियो, बाहर बनाई आज मैंने। और यहाँ पे देखना ये छोटे छोटे पप्पी से हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखना। देखो इसने ना ये एक हाथ में ले लिया है और ये सारे देखो कैसे इसके नीचे रख दे, इसको सर्दी लग रही है, देखो इनको कैसे कांप रहे हैं ये। हाँ इतने प्यारे प्यारे से। तो गाइस ये देखो कितने छोटे छोटे से पप्पी है और रिया इनको तो ठंड लग रही है, कप कपी सी हो रही है इनके। ये देखो ओहो, उसको देखो गाइस, उसको देखो छोटा सा कितना प्यारा लग रहा है। ये भगवान कितना नहीं खाते, देखो गाइस उसको ठंड लग रही है। अरे यार कितना प्यारा सा है, क्यूट सा। ये यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ इधर बिठा दिए सारे, इसको तो बैठाइए पास पास भगा रहा है इसको बैठा लग रही है इन्हें वहाँ पे। हाँ और सीमेंट हो रही है, नहीं वहाँ पे ठंडा है वो, वैसे गिल्ली नहीं हो रही है। तो गाइस देख सकते हो आप कितना प्यारा मौसम हो रहा है एकदम से। कैसा हो रहा है रिया? अभी रिया ने वीडियो बनाई अपनी, वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पे 4-5, तो आप इसके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हो। ये बता दे तेरी आईडी डाल रखी है तूने? नहीं
नहीं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके देख लेना फिर। हाँ और फॉलो भी कर देना। हाँ और फॉलो भी कर देना, और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। और ये रे छोटे से बच्चे, हाँ वही इनसे इनसे छोटा ये रहा। और वो ठंड लग रही, इनकी माँ कहाँ गई? तो गाइज ये बच्चे कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बोलो। आंटी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये कहना चाहते हैं। तो आप इन बच्चों की बात तो मान सकते हो गाइज, तो इनकी बात जरूर माननी है। इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है मम्मा। नहीं नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि आंटी अच्छी वीडियो बनाते हो, ये भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं और रिया के भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं, तो इसलिए कह रहे थे आंटी आप ना। तो फिर बोल दो सबको कि सब भी थोड़ा सा करें अपना सपोर्ट, तो वही बस। और वहाँ से इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना आज तो, जबरदस्त।